गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10+2 सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या फाइंड आउट करेंगे? इनवर्स। हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि इनवर्स हम किसका निकालते हैं, दोज फंक्शंस विच आर 1-1 एंड ऑन टू। जो फंक्शन 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और वहाँ हमने ये भी देखा था एक्सरसाइज नंबर 1.3 में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स और कोस एक्स, ये तो 1-1 नहीं थे क्योंकि साइन 1-1 नहीं है, लेकिन तो साइन का इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइन कोस टेन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये इनका जो इनवर्स है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर वो 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर उनका इनवर्स हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वी सी द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम इनको ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो वाई बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? आप सभी जानते हैं साइन एक्स की रेंज है वो -1 से +1, रेंज मीन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की जो वैल्यूज है वो रेंज समझेंगे, और डोमेन मीन्स एक्स एक्सिस। डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस की वो वैल्यू जो फंक्शन जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है, द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस एट विच द फंक्शन इज डिफाइन इज कॉल्ड डोमेन। तो ये हमारा डोमेन है, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, कंप्लीट इंटरवल ले लिया, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -π/2, -π, -3π/2 और 2π, -2π। ओके, ये हमने वैल्यूज ले ली। अब इधर वाई एक्सिस पे ये +1 और ये -1, हमें पता है कि साइन की रेंज -1 से +1 होती है, इसी के बीच में साइन फंक्शन लाई करता है। तो साइन 0, 0 होता है, साइन π/2 पे मैक्सिमम हो जाता है 1, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, 1π/2 पे मैक्सिमम, फिर पाई पे 0 हो जाता है, फिर 3π/2 पे -1 हो जाता है, 2π पे फिर 0 हो जाता है। सेम ऐसे इधर जाएगा, -π/2 पे -1 मिनिमम, फिर पाई के ऊपर -π पे 0, 3π माइनस का 3π/2 पे मैक्सिमम 1, और फिर 2π पे 0। जो x एक्सिस के ऊपर जो भी ये कट करती है, इसका ग्राफ जहाँ जहाँ कट करता है, इट मीन्स वहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। जहाँ जहाँ कट किया है वहाँ क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यदि हम देखें तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है, तो साइन फंक्शन तो 1-1 नहीं हुआ क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज हमें नहीं मिली, सेम वैल्यूज मिल रही है, डोमेन का डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सेम इमेज आ रही है। तो हम इसी से, इसलिए हम इसको समझेंगे कि एक स्पेसिफिक इंटरवल है, जैसे -π/2 से +π/2 का एक ऐसा इंटरवल है जिसके अंदर ये फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजेंटल जो ग्राफ है वो हमारा किसका है? साइन का है। सेम यदि हम साइन इनवर्स का ग्राफ बनाएं, अब सीखेंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये हॉरिजेंटल है तो इसको क्या कर दो? वर्टिकल कर दो। वर्टिकल करते ही किसका ग्राफ हो जाएगा? साइन इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा। जैसे जो डोमेन था, सीधी सी बात है, जो साइन एक्स का जो डोमेन था वो साइन इनवर्स का क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। और जो रेंज थी साइन फंक्शन की वो साइन इनवर्स की क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें जो हॉरिजॉन्टल था इसमें वो वर्टिकल हो गया, तो ये भी चेंज हो जाएंगे, डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, रेंज था वो डोमेन इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, सेम आपका। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये जो इसकी रेंज है -π/2 से +π/2, इस रेंज में जो ये ग्राफ बना है यहाँ पर हमारा फंक्शन साइन इनवर्स 1-1 भी है और ऑन टू भी है, यहाँ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 1-1 ही नहीं है। ओके, तो यहाँ हमें एक रेंज मिल गई
माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, जिसके ऊपर फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली कोस और कोस इन्वर्स का देखो, कोस एक्स सेम आपका डोमेन जीरो से पाई, रेंज माइनस वन से वन, आपको पता है रेंज माइनस वन से प्लस वन, ये माइनस वन है, ये क्या है प्लस वन है, ये क्या है माइनस वन, ये क्या है प्लस वन, मैक्सिमम वैल्यू वन और मिनिमम वैल्यू माइनस वन, किसकी कोस फंक्शन की। और को आप जानते हैं कोस जीरो क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कोस जीरो वन, कोस पाई बाई टू जीरो, कोस पाई बाई टू भी क्या होता है जीरो, फिर कोस पाई क्या होता है माइनस वन मिनिमम वैल्यू, कोस थ्री पाई बाई टू पे फिर जीरो, कोस टू पाई पे वन, ठीक है। ऐसे ही कोस माइनस पाई बाई टू के ऊपर जीरो, कोस माइनस पाई के ऊपर माइनस वन, फिर कोस थ्री पाई बाई टू पे जीरो, कोस माइनस टू पाई पे मैक्सिमम वन। यहाँ भी हम देखते हैं कोस पाई बाई टू पे भी जीरो होता है, कोस थ्री पाई बाई टू पे, कोस पाई बाई टू पे भी जीरो, कोस थ्री पाई बाई टू पे भी जीरो, कोस फाइव पाई बाई टू पे भी जीरो, तो ये फंक्शन तो वन वन नहीं है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। जैसे देखो इसमें यहाँ से यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि पाई बाई टू दोनों के ऊपर क्या है जीरो, तो ये वन वन नहीं होगा, इसलिए यहाँ जो हमारा इंटरवल है वो क्या हो जाएगा जीरो से पाई हो जाएगा, जीरो से पाई के बीच में ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो सिमिलरली इसका ये हॉरिजेंटल है, इसका क्या हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा सेम, और हमें क्या मिल गई एक इंटरवल माइन जीरो से पाई, क्या इंटरवल मिल गया जीरो से पाई, ये इंटरवल मिल गया। देखो ये जो ग्राफ है ना जो डार्क कर रखा है ये जीरो से पाई, जीरो से पाई में ये फंक्शन जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस इन्वर्स एक्स, ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। कोस फंक्शन का जो रेंज थी माइनस वन से प्लस वन, ठीक है, कोस की जो रेंज थी वो कोस इन्वर्स का क्या बन जाएगा डोमेन, और कोस का जो डोमेन था जीरो से पाई वो इसकी क्या बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी, ठीक है ना। तो बस ये क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर वन वन और ऑन टू होते हैं, जो इंटरवल है जो इनकी रेंज है उसी रेंज के अंदर ये फंक्शन वन वन भी होते हैं ऑन टू भी, उसको क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, दोज वैल्यू विच लाइज इन द रेंज ऑफ द फंक्शन, इनकी जो रेंज होगी ना उसमें ये आएंगे, उसी के अंदर हम इनको वन वन और ऑन टू दिखाते हैं और इनका इन्वर्स हम फाइंड आउट करते हैं। देखो आप रेंज देखेंगे, आप रेंज कहो या उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज कह दो या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो छह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना ही सीखेंगे। तो छह इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, मैंने उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट में साइन इन्वर्स और साइन इन्वर्स का रेसिप्रोकल कोसिकेंट इन्वर्स, और एक इनको दे दिया टेन इन्वर्स। तीनों की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तीनों की जो रेंज है वो लगभग सेम है, तीनों की जो रेंज है वो क्या है लगभग सेम है। देखो साइन इन्वर्स की रेंज अभी हमने देखी थी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है कि माइनस 90 से प्लस 90 के बीच की सभी वैल्यूज, माइनस 90, माइनस 60, माइनस 45, फिर माइनस 30, 0, प्लस 30, प्लस 45, प्लस 60, प्लस 90 तक सब वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, वो इसकी यदि उसमें अंदर इसकी वैल्यू आएगी तो उसकी क्या कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, रेंज में आएगी। तो सिमिलरली टेन इनवर्स में हमने ओपन इंटरवल दिया है, इट मीन्स माइनस 90 और प्लस 90 इसमें शामिल नहीं है, इनके बीच की वैल्यू जिनमें शामिल है, ठीक है। यहाँ ये दोनों वैल्यू भी शामिल हैं क्लोज इंटरवल का मतलब, और इनके बीच की वैल्यू भी शामिल है। कोसिकेंट इनवर्स सेम आपका साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट इनवर्स, तो कोसिकेंट इनवर्स की रेंज सेम होगी माइनस 90 से प्लस 90, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू अंडर द क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। लेकिन साइन इनवर्स, साइन कहाँ जीरो होता है, जीरो पे, तो कोसिकेंट इनवर्स जीरो पे इनफाइनेट हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो क्योंकि वो रेंज में नहीं आएगा, तो एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा और सारी वैल्यूज माइनस 90 से प्लस 90 और उनके बीच की वैल्यूज इसमें आएंगी, किसको छोड़ देंगे जीरो शामिल नहीं होगा। तो इन तीनों की देखें आप, साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल कोसिकेंट इनवर्स, और टेन इनवर्स तो सेम है माइनस 90 से प्लस 90 लगभग सेम है। अच्छा तीन और बच गए, कोस इनवर्स और कोस इनवर्स का रेसिप्रोकल सीकेंट इनवर्स, और एक इनमें लिया है कोट इनवर्स, तीनों की रेंज देखो सेम है लगभग। कोस इनवर्स की रेंज हमने देखी थी जीरो से पाई, ग्राफ के
थ्रू भी देखा था हमने, जीरो से पाई अंडर द क्लोज इंटरवल, मतलब जीरो, फिर यहाँ 30 भी आएगा, 45 भी प्लस के आएंगे सारे, 45, 60, 90, 120, 150 और 180 तक, ठीक है। कोट इनवर्स में ओपन इंटरवल, मतलब जीरो और 180 को छोड़ के इनके बीच की वैल्यू शामिल रहेंगी। सेकेंड इनवर्स में सेम आपका सेकेंड इनवर्स वही कोस इनवर्स का रेसिप्रोकल है तो सेम आएगा, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, बट ये कहाँ जीरो होता है, पाई बाई टू पे, तो इसमें पाई बाई टू पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, पाई बाई टू को छोड़ दो, एक्सेप्ट पाई बाई टू और सारी वैल्यू जाएंगी, ठीक है। आपने देखा इनकी तो नेगेटिव रेंज भी होती है साइन इनवर्स की, टेन इनवर्स की और कोसेकेंट इनवर्स की, बट कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेकेंट इनवर्स की नेगेटिव रेंज नहीं होती, तो इनमें यदि कोई नेगेटिव वैल्यूज आ जाए तो इनकी वैल्यूज सेम, आप नेगेटिव को ध्यान में मत रखो, सेम इनकी उस पे वैल्यू निकालेंगे और उसमें से पाई में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कोस इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, नेगेटिव आ जाए, क्योंकि नेगेटिव इनकी रेंज नहीं होती, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिख देंगे। सिमिलरली सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको मैंने बताया था जो इनके रेंज में आता है, और एक छोटी सी बात बताता हूँ कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, एक तो वैल्यू होती है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, ये अपनी वैल्यू देते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी प्रिंसिपल वैल्यू देगा, और किसको कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, जो उसकी रेंज में लाई करेगी तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे एट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 क्या रीड करेंगे, साइन इनवर्स 1/2, तो इसका मतलब साइन के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, आप सभी जानते हैं साइन 30 1/2 होता है, तो 30 मीन्स पाई बाई 6, ये जानते होंगे 30, पाई क्या होता है, पाई होता है, पाई रेडियन है, 180 डिग्री है, पाई बाई 2 रेडियन क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो इसको भी, तो 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 पढ़ेंगे, पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री, और पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, ठीक है ना, डिग्री में तो हम जानते ही हैं, इनको रेडियन में पढ़ेंगे अब, तो 30 पे होता है, तो 30 को क्या कहेंगे, पाई बाई 6, क्या पाई बाई 6 30 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आता है, आता है, रेंज में है, तो ये इसकी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो आपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या देता है, प्रिंसिपल वैल्यू देता है, एंगल देता है, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू देता है कॉन्स्टेंट। सिमिलरली कोस इनवर्स 1/√3, तो कोस के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2, ठीक है ना, कोस के किस एंगल की वैल्यू 1/√2 होती है, 45 डिग्री, तो 45 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे, क्या पाई बाई 4 कोस के रेंज में आता है, हाँ, 0 से पाई के बीच में पाई बाई 4 आता है, 0 से पाई का मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में 45 आता है, आता है, यस, तो ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, आंसर है हमारा। टेन इनवर्स 1/√3, तो आप देखो टेन के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो टेन के किस एंगल की वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की, तो यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, हमारी रेंज में भी आती है, ओके। तो और क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, अब देखो नेगेटिव है साइन इनवर्स माइनस 1, तो साइन के किस एंगल की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस पाई बाई 2 की, तो माइनस पाई बाई 2 साइन की रेंज में आता है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है, तो यस यही क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। हाँ, इसको गौर से देखेंगे, इसको आप गौर से देखेंगे, कोस इनवर्स माइनस 1/2, देखो मैंने कहा था ना कोस इनवर्स यदि नेगेटिव आ गया, कोस इनवर्स माइनस एक्स आ गया, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, पाई माइनस इसकी क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, कोस इनवर्स 1/2, कोस के किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 60 की, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, तो इसकी जगह लिखेंगे पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3, 2π/3 हमारी क्या होगी, इसकी रेंज आ गई ना इसके इंटरवल में, किस में, 0 से पाई के बीच में आ गई, ओके। सिमिलरली टेन इनवर्स माइनस रूट 3, तो टेन के किस एंगल की वैल्यू माइनस रूट 3 होती है, तो माइनस पाई बाई 3 की, ठीक है, और टेन के रेंज में भी है, टेन की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। कोसेकेंट इनवर्स माइनस 2, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, कोसेकेंट इनवर्स चेंज इनटू साइन इनवर्स, बट उसका एंगल चेंज हो जाएगा, माइनस 2 का माइनस 1/2, और प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई